सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फंडामेंटल प्रोसेसेस के नाम से भी जाना जाता है अलग अलग जगहों पे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें कि क्या बात की जाती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी डीएनए भाई साहब आरएनए और प्रोटीन कैसे बनाते हैं उसी पर बात होती है। हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वी हैव द जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब इसी जेनेटिक मटेरियल, ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और आरएनए भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो होता है वो डीएनए होते हैं। आरएनए कहाँ पे होते हैं, वायरस में होते हैं, ठीक है। सो डीएनए में भी ज़्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो पाया जाता है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। ये डीएनए जो है वो एक तरीके से, आप किसी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझना है तो समझ लीजिए, जैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वैसे एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है बॉस, बॉस के नीचे होता है मैनेजर, मैनेजर के नीचे होते हैं वर्कर या एम्प्लॉय, ठीक है। तो दिस बॉस मैनेजर एंड एम्प्लॉय, अब इस बॉस मैनेजर एम्प्लॉय के ऊपर जब हम बात करते हैं तो बॉस मैनेजर एंड एम्प्लॉय इस केस में चलता है। बॉस अपने बॉस के पास क्या होते हैं, आइडिया होता है, क्या होता है, इन्फो होता है। इसको किसके साथ शेयर करता है, मैसेंजर के पास, यहाँ पे शेयर करेगा। अब ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉय को बोलेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, वर्क करेगा और चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जैक्टली द थिंग इज देयर कि इन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सेल्स होते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पाया जाता है कि नॉर्मली देयर इज वन पर्टिकुलर बॉस, दैट इज डीएनए, इट इज़ द बॉस। इसके पास क्या होता है, इन्फो होता है। ये बॉस क्या करेगा, ये अपना इन्फॉर्मेशन एमआरएनए या आरएनए में बनाएगा, इन्फो देगा, जो कि एक मैनेजर की तरह काम करेगा, और ये एम्प्लॉय दैट इज प्रोटीन इसके ऊपर काम करेगा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा मॉडल। क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा मॉडल। इट्स अ वेरी सेंट्रल डोग्मा मॉडल, जहां से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए जो होता है अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए आपस में अपनी कॉपीज भी बनाता रहता है। सो फर्स्ट प्रोसेस, जब डीएनए खुद को बनाएगा, जब डीएनए से डीएनए बनता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। When DNA से RNA बनता है, जब DNA से RNA बनता है, तो we say it as a transcription। क्या बोला जाएगा, transcription बोला जाएगा। इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो, यानी कि जब RNA से DNA बनने लगे, उल्टा कर दिया ऊपर वाले प्रोसेस को, तो रिवर्स कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स। किस प्रोसेस का रिवर्स किया, ट्रांसक्रिप्शन का, तो we say it as a reverse transcription, ठीक है। नाउ इसके बाद जो होता है कि अगर आपके आरएनए से प्रोटीन बनने लगे, आरएनए से अगर प्रोटीन बनने लगे, तो विसरित इससे कोड को ट्रांसलेट किया, दैट शुड बी ट्रांसलेट किया। इसके पास क्या होता है, कोड होता है, मैनेजर के पास क्या होता है, कोड होता है। इस कोड को ट्रांसलेट करता है कौन, एम्प्लॉय, दैट इज प्रोटीन। सो दीज आर द वेरियस प्रोसेस, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मेजर थिंग्स। जब डीएनए से डीएनए रिप्लिकेट हो रहा होता तो कुछ चेंजेस भी होते हैं, चेंजेस कैन बी लार्ज और स्मॉल। यहाँ पे आपके रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन। इस चेंजेस को रिपेयर करने के लिए देयर इज रिपेयर मैकेनिज्म, और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के देयर इज कंट्रोल मैकेनिज्म, एंड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पे जाने से पहले देर इज अ मॉडिफिकेशन प्रोसेस। सो सी हियर, व्हेन यू सी द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंट्रल डोग्मा, इट्स अ वेरी सिंपल, जो मैं आपको यहाँ पे बताया वही चीज़ है। यहाँ पे डीएनए से डीएनए बनेगा तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और यही प्रोसेस रिवर्स कर देते आरएनए से डीएनए बनना, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता, दैट शुड बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद मॉडिफिकेशन पे जाएगा और ट्रांसलेशन बनाएगा, प्री आरएनए से मैच्योर आरएनए बनेगा, तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि इसमें डीएनए में चेंजेस के लिए यहाँ पे जो होगा, दैट देयर शुड बी लाइक चेंजेस होंगे, डीएनए में चेंजेस हो सकते होंगे, चेंजेस कैन बी लार्ज
अगर लार्ज चेंज हो रहा है तो दैट शुड बी रिकॉम्बिनेशन, क्या होगा वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर स्मॉल चेंज है तो क्या होगा, म्यूटेशन होगा। स्मॉल चेंज किसकी वजह से होगा, म्यूटेशन होगा। इनको क्या करेंगे आप, रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद रिपेयरिंग मैकेनिज्म आएगा, रिपेयर करने के बाद यह ट्रांसक्रिप्शन पे गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हो जाएगा दिस फर्स्ट प्रोसेस रिप्लिकेशन, सेकेंड प्रोसेस चेंजेस, थर्ड प्रोसेस रिपेयर मैकेनिज्म, फोर्थ प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, फिफ्थ प्रोसेस प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग, अब ये प्री आरएनए से मेच्योर आरएनए बनेगा प्रोसेसिंग के थ्रू, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। मेच्योर आरएनए विल गो फॉर द ट्रांसलेशन, इट विल गो फॉर द ट्रांसलेशन, दैट इज द सिक्स्थ प्रोसेस। एंड आफ्टर द सिक्स्थ प्रोसेस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, दैट इज द सेवेंथ प्रोसेस, जो एक फंक्शनल प्रोटीन को बनाएगा। सो दिस इज द केस जो कि आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। नेक्स्ट लाइक ये है आपके बेसिकली सेंट्रल डोगमा मॉडल। इसमें हम पहले लर्न कर लेंगे डीएनए के बारे में और सीखेंगे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या चल रही हैं। तो उसमें आता है बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब टूटता है तो हम उसको लर्न करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब टूटेगा तो कैसे उसको सीखेंगे, उसमें रीनेचुरेशन काइनेटिक्स की बात आती है। तो ध्यान देना, एक आता है दैट इज़ रीनेचुरेशन काइनेटिक्स, क्या है ये, इसके ऊपर बात करते हैं। जब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, देखिएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए टूटेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जाएगा। आपने क्या किया, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में डीनेचर कर दिया, दैट इज डीनेचुरेशन। अब यही प्रोसेस रिवर्स करे तो, मतलब कि अब इसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये प्रोसेस डीएनए डबल स्ट्रैंड में हो तो इसको बोलेंगे रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन। और आपको क्या देखना है, रीनेचुरेशन काइनेटिक्स देखना है। जब रीनेचुरेशन काइनेटिक्स देखना है तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये दोनों मिलके डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अगर काइनेटिक्स की बात की जा रही हो तो वन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्लस सेकेंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विल मेक द डबल स्टैंडर्ड, दिस इज द रीनेचुरेशन। अगर काइनेटिक्स आप देखोगे तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के पावर 2 आएगा, क्या आएगा 2, दैट शुड बी लाइक, अगर इस तरीके से आप देख रहे होगे तो के इंटू इसके पावर 2 आएगा। वाई, बिकॉज ये जो है दो आपके सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हैं, तो कौन सा ये चीज हो जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो अगर हम इस चीज को, इस सिंगल स्ट्रैंड के कॉन्सेंट्रेशन को सी कंसिडर करें, इसको भी सी कंसिडर करें, और यहाँ पे आ जाएगा रेट, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए के पावर 2, यानी इसको हटाएंगे तो के सी के पावर 2, दैट शुड बी रेट। रेट क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडर्ड विद द टाइम डिक्रीज हो रहा होगा, बिकॉज इट्स सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हमेशा विद द टाइम डिक्रीज हो रहा होता है, इसलिए रेट निगेटिव में है, माइनस के सी स्क्वायर। अब ये जो है यही रीनेचुरेशन काइनेटिक्स है, इसको आप इधर करिए, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने के बाद यू विल फाइंड सी अपॉन सी नॉट 1/1 प्लस के सी नॉट टी, दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। जब आप सी स्क्वायर को इधर किया, टी को इधर किया, इंटीग्रेट किया, इसको लेके इंटीग्रेट करने के बाद ये चीज़ मिल गई। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट विद दैट इज हाफ रीनेचुरेशन। हाफ रीनेचुरेशन का मतलब द टाइम एट विच 50% ऑफ सिंगल 50% ऑफ सी इज रीनेचुरेटेड, इज रीनेचुरेटेड, मतलब द फाइनल सी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट था, आफ्टर टाइम टी इसका कॉन्सेंट्रेशन सी बचा होगा, तो सी से सी नॉट जो होंगे, कि मान लो कि आपका सी नॉट को कुछ भी मान सकते हो, 10, 20, 50, वॉट एवर इट इज, लेकिन अगर मान लीजिए सी नॉट आपका 50 था, उसके बाद सी आपका 50% ही बचा, मतलब अब सी जो बचा है वो सी नॉट बाई 2 बचा है, इसका आधा बचा है, क्योंकि 50% तो रीनेचुरेट हो गया, वापस से इस फॉर्म में आ गया। तो ये जो है, ये सी शुड बी द सी नॉट बाई 2 एट द टाइम जिसपे की 50% ही आपका बचा हुआ, 50% रीनेचुरेट हो गया, उसको बोलते हैं हम टी हाफ, दैट इज हाफ रीनेचुरेशन। देयर सी अपॉन सी नॉट शुड बी 0.5,
टी हाफ इज द वैल्यू जहां पे सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू 0.5. इसको सी नॉट को इधर करो और ये 1/2 दैट शुड बी 0.5. अब इसी चीज को इस चीज पे आपने पता किया, इन वैल्यूज को यहां पे रखो इस इक्वेशन में. जब इस इक्वेशन में रखोगे टी की जगह टी हाफ रखो, सी नॉट बाई सी को 0.5 रखो, कैलकुलेट करो तो यू विल गेट सी नॉट इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1/k. जब आप इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे, टी की जगह टी हाफ रखा, सी बाई सी नॉट की जगह 0.5 रखा और सॉल्व किया, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिल जाने वाला है ये वैल्यूज, दैट इज कॉट वैल्यू. इसको क्या बोलते हैं? कॉट वैल्यू. सी नॉट टी हाफ इट इज इक्वल टू 1/k. मतलब जो ये कॉन्स्टेंट है वो आपके कॉट वैल्यू पर डिपेंड करता है. दैट रीनेचुरेशन काइनेटिक्स जो है वो बताता है एक्चुअली कि कोई भी डीएनए में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है. अल्टीमेटली दैट कॉट वैल्यू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/k. जितना ज़्यादा समय लेगा उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. दैट कॉट वैल्यू, ठीक है, कॉट वैल्यू जो होता है इस तरीके से काम करता है. कॉट वैल्यू बताएगा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इस पर बात करेंगे. देखिए, दिस इज कॉट हाफ वैल्यू, दैट सी नॉट टी हाफ वैल्यू. ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कॉम्प्लेक्सिटी के, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा. एंड कॉट वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो के कॉन्स्टेंट, के इज रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो देखिए जैसे जैसे कॉट वैल्यू यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, दैट यहाँ पे रैपिड हो रहा था, रैपिड तरीके से तेजी से वो रीनेचुरेशन हो रहा था. दिट्स रैपिड रीनेचुरेशन. रैपिड रीनेचुरेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए होंगे. रैपिड रीनेचुरेशन शुड बी रेपिटेटिव डीएनए, R2 रूल. ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट में मॉडरेट रेपिटेटिव डीएनए एंड स्लो होगा यूनिक डीएनए में. दिस इज द ग्राफ. अगर इसमें आपको यहाँ पे ए दे दिया, ये बी दे दिया और सी दे दिया, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो है ये रैपिड होगा तो रिपीटेटिव है, ये इंटरमीडिएट रिपीटेटिव है और ये यूनिक डीएनए पे आ जाएंगे. ग्राफ कैन बी आस्क एनी टाइम. आपको कॉट वैल्यू दे दिया और इस तरीके से आपको वैल्यू करके पूछ दिया ए बी सी डी. ध्यान देना कि जितना ही इधर होगा, जितना इस तरीके से कॉट वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही वो वैल्यू यूनिक होगा. यूनिक का मतलब उतना ही वो कॉम्प्लेक्स होगा, रेपिटेटिव यूनिट कम होंगे. ठीक है, इसी तरीके से ये तो रहा ग्राफ इस तरीके का. कुछ कुछ ग्राफ कॉट वैल्यू से ऐसे आते हैं जिसमें आपके ए सैंपल, बी सैंपल, सी सैंपल, डी सैंपल एंड ई सैंपल. अगेन इसमें भी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी से ही पता चलेगा, जो कि कॉट वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉट हाफ वैल्यू. जब इससे पता है तो देखिए कॉट हाफ वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी है. तो ई शुड बी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स, देन डी, देन सी, देन बी एंड देन ई. यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट. ये देखिए पॉली यू एंड पॉली ए मतलब रेपिटेटिव है भाई. सेटेलाइट डीएनए अगेन रेपिटेटिव, ये बहुत हाईली रेपिटेटिव है और ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट है, रेपिटेटिव है. इसके बाद यहाँ पे देखिए साइज जो है वो स्मॉल है, रेपिटेटिव नहीं है, क्लियर, साइज स्मॉल है, साइज जो है वो मॉडरेट है. और यहाँ पे देखिए साइज जो है काफ डीएनए साइज लार्ज है. तो कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी जो है अगर हम बात करें तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेपिटेशन. जितना रेपिटेशन कम होगा उतना ही आपके जो होंगे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, जितना साइज ज़्यादा होगा उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी. यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं, ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं. दिस इज द कॉट एनालिसिस. ठीक है, नाउ रीनेचुरेशन पे बेस्ड हुआ था, ध्यान देना. कॉट एनालिसिस किस पे बेस्ड हुआ था, किस काइनेटिक्स पे था? रीनेचुरेशन पे. कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है? सेकेंड ऑर्डर को. कॉम्प्लेक्सिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोजोम. क्रोमोजोम एक पार्ट होता है जहाँ पे पूरे के पूरे डीएनए अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं. क्रोमोजोम के दो आर्म पाए जाते हैं, एक होता है पी आर्म, एक होता है क्यू आर्म. पी आर्म इज जनरली शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म होता है, एंड क्यू आर्म इज जनरली लॉन्ग आर्म, लॉन्ग आर्म पाया जाता है.
पी आर्म पे भी टीलोमियर रीजन्स होते हैं एंड पे, टीलोमियर जनरली एंड पे पाया जाता है, बीच में जो रीजन्स पाए जाते हैं दे आर जनरली सेंट्रोमियर्स एंड यहाँ पे भी टीलोमियर पाए जा रहे हैं। दिस इज अ सिंगल क्रोमोजोम, ये सिंगल क्रोमोजोम में बीच में पाया जाने वाला केस जो होता है दिस से सेंट्रोमियर, एंड पे पाए जाने वाले जो होते हैं वो होते हैं टीलोमियर। ये अभी एक सिंगल एक क्रोमेटिड है, दिस इज द सिंगल क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड एक क्रोमेटिड। जब दो क्रोमेटिड मिल जाते हैं वन एंड टू, तो दो क्रोमेटिड मिल के बनाते हैं क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं? मिल के बनाते हैं क्रोमोसोम, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। जब एक क्रोमेटिड क्रोमोसोम नहीं कहलाता, वो जनरली होते हैं मोनोसोमी, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, विल सी इन द जेनेटिक्स पार्ट। सो ये क्या करेंगे कि ये इस तरीके से चलेगा। नाउ अब क्या होता है कि इस सेंट्रोसोम पार्ट पे थोड़ा सा इंक्रीज करके देखोगे तो इस पर क्या पाया जाता है, देयर इज लाइक सेंट, यहाँ पे कुछ होते हैं दैट काइनेटोकोर, ये होता है काइनेटोकोर, इस पर जो होता है काइनेटोकोर पाया जाता है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं। दीज आर द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अटैच होते हैं। व्हेन स्पिंडल फाइबर्स बाइंड एट द क्रोमोजोम, जहाँ पे बाइंड करता है दैट इज द काइनेटोकोर पॉइंट। अगर नॉर्मली आप देख पा रहे हो तो इस तरीके से काइनेटोकोर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो काइनेटोकोर का हिस्सा जो होता है इस तरीके से क्रोमोजोम पे होता है। बाकी डिवीजन के टाइम पे हम क्रोमोजोम को और अलग तरीके से देखेंगे, उसमें कितना डिवाइड होता है, कैसे क्रोमोजोम का नंबर होता है, या नंबर एंड ऑल वाली चीज़ें जो होंगी सेल बायोलॉजी में आपको डिस्कस की जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, इस क्रोमोजोम में एक्चुअली डीएनए जो होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसमें दो रीजंस बताया गया, यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन दैट इज लेस कंडेंस्ड, हेटरोक्रोमेटिन मोर कंडेंस्ड होते हैं। यूक्रोमेटिन ऑन द क्रोमोसोमल आर्म होता है, हेट्रो ऑन द सेंट्रोमियर्स टीलोमियर्स एंड अदर स्पेसिफिक जगह, इन जगहों पे पाए जाते हैं। दैट यूक्रोमेटिन यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। यूक्रोमेटिन में मेनी एक्टिव जीन्स, दैट्स नॉट जीन्स, मेनी एक्टिव जीन्स पाए जाते हैं, ध्यान देना। इसमें क्या होते हैं, कौन से जीन्स, एक्टिव जीन्स होते हैं यूक्रोमेटिन में। हेट्रोक्रोमेटिन में फ्यू एक्टिव जीन्स, ऐसे तो जीन का नंबर ज़्यादा होता है बट एक्टिव कम होते हैं। यूक्रोमेटिन का रिप्लिकेशन जो होता है एस फेज में होता है, अर्ली एस फेज में या मिडिल एस फेज में, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन लेट एस फेज में रिप्लिकेट करता है। यूक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफन या आपके कह सकते हैं हाउसकीपिंग वे में होता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि इनकी ज़रूरत होती है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन इनफ्रिक्वेंट होता है या लेस कॉमन होता है। जब हम बात करते हैं यूक्रोमेटिन तो क्रॉसिंग ओवर कॉमन होता है एंड अन, इसमें हेट्रोक्रोमेटिन में इट इज़ अनकॉमन और लेस कॉमन, क्रॉसिंग ओवर हेट्रोक्रोमेटिन में कम पाया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड, दैट हेट्रोक्रोमेटिन मोर कंडेंस्ड। यूक्रोमेटिन ऑन क्रोमोसोम्स लाइक मेनी जीन्स पाए जाते हैं, थ्रू आउट द एस फेज रिप्लीकेट होगा। यूक्रोमेटिन हाई स्किपिंग जीन्स पाए जाएंगे, कॉमन होते हैं, ठीक है। नाउ इस चीज़ को कॉम्पैक्ट करने के लिए क्रोमेटिन फाइबर्स एंड ऑल के लिए एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड जो कि डीएनए को रैप करने में काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द रैपिंग द डीएनए, ये जो होते हैं ये डीएनए को रैप करने में काम आते हैं, रैपिंग द डीएनए, डीएनए को रैप करेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दे आर द लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच, ये जो होते हैं ये लाइसिन या आर्जिनिन रिच पाए जाते हैं, ठीक है, रैप करते हैं आर्जिनिन या लाइसिन रिच, ठीक है, इसके लिए पाया जाता है। इसके साथ दैट बाइंड्स टू द डीएनए बैकबोन। फोर कोर हिस्टोन्स होते हैं H2A, H2B, S3 एंड H4 एंड फिफ्थ हिस्टोन दैट इज H1 इज अ लिंकर हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन होता है। That here the H2B, H2A, S3, H4 there is like इस तरीके से होते हैं, एक octamer region बन रहा है और ये केस चलता है, बीच में linker जहाँ पे H1 पे आ जाएगा। इस particular केस में अगर आप देखेंगे तो H2A के, ठीक है, H2A और H2B का ये एक tetramer बनाएगा and H3 and H4 ये tetramer बनाएगा, देन दिस विल फॉर्म, दोनों के दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्टामर, ये होता है। तो देखिए कि इसमें ऑक्टामर बना, ये
टेट्रामर है, दोनों मिलके ऑक्टामर बनाया। फिर उसके बाद ये जो यूनिट होती है 11 नैनोमीटर की होती है, विल दिस कंपोनेंट के ऊपर देखेंगे। इस न्यूक्लियोसोम में जितना ही आप कितना रैप करता है, देखिए 8 हिस्टोन प्रोटीन एज अ कोर क्या करते हैं 146 यानी 146 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को रैप कर रहे होते हैं। यहाँ से लेके एंट्री से लेके इसके एग्जिट तक कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, दैट इज 146 बेस पेयर। 146 बेस पेयर जो होते हैं यहाँ पे पाया जाता है, 146 बेस पेयर पाया जाता है, रैप होता है एंट्री से लेके एग्जिट तक। जहाँ से एंट्री होती है वहाँ और जहाँ से एग्जिट होता है उसके बीच में 146 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। दैट हिस्टोन्स आर रैंडमली ऑर्डर्ड होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड एट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जहाँ से एंट्री और एग्जिट हो रहा होता है वहाँ पे वो रैंडमली अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड पा जाते हैं, ठीक है, रैंडमली अरेंज होते हैं एग्जिट पॉइंट पे। लेकिन ये जो होते हैं स्ट्रिक्टली कहाँ पे होंगे, सेंटर पे। सेंटर में क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन एंट्री और उस पे जो होते हैं एग्जिट पे लूजली या रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। विल सी दोज थिंग्स और कुछ चीज़ें लर्न करते हैं। तो देखिए क्योंकि H2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच H2, H2B, H3, H4 ऑक्टामर बना है, H1 लिंक किया हुआ था, 11 नैनोमीटर का ये बना हुआ था, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। द सिंपलेस्ट पैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर डीएनए, 146 बेस पेयर रैप्ड होता है। ऑक्टामर में 2 कॉपीज ऑफ 4 कोर हिस्टोन्स, डीएनए लेंथ वेरीज बिटवीन द स्पीसीज एंड लिंकर डीएनए जनरली जो होता है 8 से 11 बेस पेयर का होता है, ठीक है, ये जो होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो हिस्टोन H1 के ऊपर जब हमने बात किया था तो इट इज़ अ लिंकर वन, एज आई टोल्ड यू H1 जो था वो लिंकर का काम करता है, लिंकर हिस्टोन्स थे और ये जोड़ने का काम कर रहा था। जनरली जो होते हैं दिस 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, दैट जनरली जो होता है पूरा रैपिंग अगर आप देखोगे तो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इन्वॉल्व होता है, 2 कॉपीज ऑफ ईच H2, H2B, H3, जिसमें से कि जो कंजर्व्ड रीजन होता है H3-2 and H4-2, दीज टेट्रामर आर कंजर्व्ड, ये जो होते हैं कंजर्व्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए इज अल्टर्ड इन द मिडिल ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, जो डी एन ए अल्टर्ड होता है वो मिडिल पे होता है, टिपिकली जो होता है मिडिल पे अल्टर्ड किया जाता है कोर पार्टिकल के। डी एन ए ऑर्गेनाइज करता है कितने टर्न, 1.6 टर्न घूमता है, ये जो घूम रहा है ना यहाँ पे देखिए, एक टर्न ऐसे पूरा किया और एक 6 बार टर्न करता है तो 1.65 टर्न जो है वो घूम पा रहा है। एंड एच जो नॉर्मली इसके साथ होते हैं वाइल 30 नैनोमीटर फाइबर्स जनरली 6 न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो पर टर्न आ जाते हैं। एक न्यूक्लियोसोम 11 नैनोमीटर का होता है, उसको 30 नैनोमीटर बनाने के लिए लगभग 6 न्यूक्लियोसोम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इनटू 2 स्टार्ट हेलिक्स। एन टर्मिनल हिस्टोन्स जो होते हैं जो टर्मिनल पे पाए जाते हैं दे आर रैंडमली ऑर्डर्ड जैसा आपको बताया गया था, और क्रोमेटिन आर्किटेक्चर को हटाने के लिए चेंजेस करने के लिए देयर इज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस जो कि एटीपी इन्वॉल्व करते हैं, इनको हम देखेंगे रेगुलेशंस के पार्ट में। तो एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल डीएनए डुप्लेक्स जो पाया जाता है दैट इज ऑफ 2 नैनोमीटर, आफ्टर दैट दिस इज रैपिंग अराउंड द डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर, रैप किया 1.6 टर्न इस तरीके से ड्यूरिंग द इंटरफेज मोस्ट क्रोमोजोम रीजन यूकेरमेट, रैप किया, आपको क्या मिला, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ये आपको मिलेगा बीड्स ऑन द स्ट्रिंग का फॉर्म, ठीक है, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग फॉर्म में जब चलेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल जिगजैग स्ट्रक्चर वाया हिस्टोन 1 जोड़ेगा, ये बनाएगा 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर, फिर बनाएगा पहले बीड्स ऑन स्ट्रिंग पे आएंगे फिर उसके बाद 30 नैनोमीटर फाइबर बनाएगा, फिर ये फाइबर बनाने के बाद यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर बन रहा है, अभी तक ये था बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यहाँ पे जो था ये क्रोमेटिन फाइबर था। इसके बाद एंकरिंग ऑफ रेडियल लूप्स, ये रेडियल लूप्स एंकर करते हैं, छोटा सा हिस्सा जो है आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा, तो ये जो है ये क्या बना दिया, दिस फॉर्म्स द लूप्ड डोमेन बनाया, लूप्ड डोमेन बनाया दैट इज 300 नैनोमीटर। फर्दर कॉम्पेक्शन ऑफ द रेडियल लूप्स विल फॉर्म द स्कैफोल्ड, फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड एंड फॉर्म अ न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड फर्दर कॉम्पेक्शन ऑफ ऑल रेडियल लूप्स, ठीक है, क्या होगा कि सारे रेडियल लूप्स और कंपेल करके एक बनाएंगे क्या, दैट इज
स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड जो होगा वो फिर कन्वर्ट होकर क्रोमोसोम में 1400 नैनोमीटर पे आएगा। कहां से चला? दो, दो से चला 11, जहां पे न्यूक्लियोसोम हो रहा था, दो दो से चला 11, 11 नैनोमीटर से क्या हुआ, फिर चला 30, 30 से 300, 300 से 700, 700 से 1400, टू उन पे था डीएनए, इस पे था बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला मॉडल यानी लीनियर मॉडल, इस पे था फाइबर मॉडल, इस पे था लूप्ड मॉडल, इस पे था स्कैफोल्ड, इस पे था क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार समराइज करते हैं, फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2 नैनोमीटर से। फिर कहाँ कन्वर्ट हुआ? 11 नैनोमीटर में। फिर 30 नैनोमीटर में। फिर 300 नैनोमीटर। फिर 700 नैनोमीटर। फिर 1400 नैनोमीटर। दिस इज द स्टेप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। टू से कॉम्पैक्शन इसमें 11, 11 से 30, 30 से 300, 300 से 700, 7 से 1400। नाउ अब देखिएगा कि इसमें 2 नैनोमीटर पे क्या था, यू हैव द डीएनए, डीएनए, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिल जाएगा, लीनियर डीएनए। इसके बाद मिलेगा 11 नैनोमीटर पे बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मॉडल मिलेगा, दिस इज द स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है। 30 नैनोमीटर पे फाइबर मिलेगा, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। ये क्या मिलेगा यहाँ पे? क्रोमेटिन फाइबर मिलेगा। एंड उसके बाद मिलेगा 300 नैनोमीटर पे, दिस इज लूप्ड डोमेन, ये मिलेंगे लूप्ड डोमेन। 700 पे क्या मिलेगा? स्कैफोल्ड मिलेगा। एंड 1400 पे मिलेगा क्रोमोसोम। दिस इज द थिंग, पहले लीनियर से बीट्स ऑन स्ट्रिंग, फिर फाइबर बनाया, फिर जो है लूप डोमेन बनाया, फिर स्कैफोल्ड, फिर फर्दर क्रोमोसोम। फाइबर जो थे आपके दो होते थे, सॉलिनॉयड मॉडल थे या आपके जो होते हैं ये जिगजैग मॉडल, दोनों हो सकते हैं। सो दिस इज दैट क्रोमोसोम थिंग, ये जो है आपका क्रोमोसोम का इस तरीके से पार्ट जो है चल रहा था, ठीक है। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।